रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख कवि, लेखक और निबंधकार थे। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। दिनकर जी के पिता एक किसान थे और सामान्य किसान थे। दिनकर जी जब 2 वर्ष के थे तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद विधवा मां ने ही दिनकर जी को और उनके भाई बहनों का पालन किया। दिनकर का बचपन और किशोर अवस्था गांव में ही बीती, जहां दूर तक फैले खेतों की हरियाली, आम के बगीचे थे। दिनकर ने संस्कृत के पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। उन्होंने गांव के ही विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। अपने गाँव के निकटवर्ती बोरो गाँव से उन्होंने मिडिल स्कूल की परीक्षा प्राप्त की। यहीं से उनके मन और मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। दिनकर जी ने हाई स्कूल की शिक्षा मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। शिक्षा के बीच में ही दिनकर का विवाह हुआ और एक पुत्र के पिता भी बने। दिनकर ने अपनी माध्यमिक स्तर से ऊपर की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की थी। उन्होंने इतिहास में BA किया। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू भाषा का गहन अध्ययन किया। अपनी शिक्षा पूर्ण होने के अगले ही वर्ष दिनकर जी को एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया। इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति का कार्यभार भी संभाला। भारत सरकार के पास हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। रचनाओं के कारण दिनकर जी का 4 वर्ष में 22 बार तबादला किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर भारत की आजादी के पहले एक विद्रोही कवि के रूप में जाने गए थे और आजादी के बाद राष्ट्र कवि के रूप में नवाजे गए। एक ओर उनकी कविताओं में तेज विद्रोह और क्रांति की पुकार थी, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी थी। उनकी कृति उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि कुरुक्षेत्र को दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी ने अंतिम सांस ली। दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। दिनकर जी को मिले हुए सम्मान इस प्रकार हैं: रचना कुरुक्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश और भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सन 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया। 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। तो ये थी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।